हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय सरकार आपका स्वागत करता हूं जगन्नाथ लीला मथुर चैनल में। और आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो आपका शायद ज़िंदगी बदल दे, क्योंकि एक सेकंड कुछ भी नहीं है, ऐसे ही निकल जाता है। एक सेकंड में आप आपका सोच को स्टॉप कर सकते हैं, दिमाग को स्टॉप कर सकते हैं। क्या ऐसा संभव है? इस सोच के ही आप सुनने आए हैं कैसे हम स्टॉप करें। हर किसी का प्रॉब्लम बस वही है, कैसे हमारा दिमाग हमेशा चलता ही रहता है और ये हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में खड़ा कर देता है। यस और नो? देखिए, हर चीज़ का यूज़र मैनुअल होता है। जब आप कोई भी गैजेट घर में लाते हैं, मोबाइल हो, टीवी हो, कुछ भी हो, उसका यूज़र मैनुअल है। लेकिन हमारे दिमाग का यूज़र मैनुअल हमको मालूम ही नहीं है। क्यों? ऐसा कहीं पर लिखा ही नहीं है, कहाँ से लाकर हम पढ़े, तो इसलिए आपको मालूम नहीं है। तो यूजर मैनुअल आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, प्रकृति जो है उस हर चीज़ का एक एक काम दिया गया है। जैसे पानी ऊंचाई से नीचे सरकता ही रहता है और अग्नि नीचे से ऊपर उठता ही रहता है, हमेशा हवा बहती रहती है। और देखिए, रॉकेट भी देखिए, उसको बनाया ही गया है ऊपर उठने के लिए। अगर आप रॉकेट को नीचे जाने के लिए बोलेंगे पृथ्वी के अंदर, वो नहीं जा सकता है। वैसे ही आपका दिमाग बनाया गया है सोचने के लिए, नॉनस्टॉप सोचने के लिए, पास्ट मेमोरी को सोचने के लिए, ताकि उससे कुछ प्रॉफिट आप पा सके और उसको कुछ मिलाकर कुछ एक क्रिएटिव चीज़ भविष्य में बना सके। लेकिन आप करते क्या हैं? पास्ट का नेगेटिव सोच लेकर आते हैं और फ्यूचर में एक नेगेटिव चीज़ सोच लेते हैं, मेरे साथ ये होने वाला है। इसलिए आप अभी दुख करते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, एक सेकंड में आप इसको कैसे बदल सकते हो, आपका जिंदगी कैसे बदल सकता है। देखिए, एक छोटे से बच्चे, नटखट बच्चा, वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है और आप उसको टोकते रहते हैं। अगर कुछ गलती कर रहा है तो आप उसको जरूर टोकेंगे, तो वो मत कर। लेकिन उसको उसमें इंटरेस्ट है, वो सोचता है इसमें क्या है, ये मना कर रहा है। एकदम इंटरेस्टिंगली वो उसके अंदर खो जाता है, वो फिर से वही काम करना चाहता है। और उसको जब आप ले आते हैं उधर से, तब वो रोता रहता है, बिलखता रहता है। वैसे ही हम सब सोचते थे बचपन में हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन अन्याय नहीं हो रहा था, न्याय ही हो रहा था। ये सुनो, अगर आप उसको बोलेंगे ये कर रहा है, हाँ कर, बहुत ही बोरिंग है, कुछ में कुछ भी मजा नहीं है, बहुत बोरिंग है, कर, तो वो नहीं करेगा, चला आएगा उधर से। उसका अगर जबरदस्ती लाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं आएगा। वैसे ही हमारा ब्रेन कैसा फंक्शन करता है, हमेशा सोचने की काम करता है, हमेशा सोचता रहता है। उसका प्रकृति ही ऐसा है। अगर उसको आप बोलेंगे उसका प्रकृति से अलग काम करने के लिए, तो वो क्या कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो आप हमेशा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने से नहीं होगा, वो कंट्रोल में नहीं आएगा। उसका प्रकृति के उलट उसको काम करने के दीजिए। बोलिए, सोच, तो फ्री है, बोलिए अपने दिमाग को, बोलिए तो फ्री है, चल सोच। उसको लगेगा कुछ अलग हो रहा है मेरे साथ, कुछ उल्टा हो रहा है, वो सोच नहीं पाएगा। बोल के तो देखिए, बोलिए, सोच, तो फ्री है, अरे सोच ना, बोलिए उसको, सोच, तो फ्री है, तो सोच। कुछ आया दिमाग में? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उसका प्रकृति से अलग काम यह है। सोच, तो फ्री है, सोच, बोलिए उसको, तो करते ही रहिए ऐसा, उसके साथ ऐसे ही बात कर रही है, वो स्टफ हो जाएगा। आपका जिंदगी में जितना प्रॉब्लम है वो 80-90% कम हो जाएगा। प्रॉब्लम नहीं था, ये सोचकर प्रॉब्लम खड़ा कर रहा था। तो इसको जब फ्री कर देंगे, तो सोच, तो फ्री है, उसको हमेशा बोलते रहिए, तो फ्री है, तो सोच, तो वो स्टफ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जगन्नाथ लीला में तो चैनल सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।